हेलो गाइज एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एयरटेल की एक काफ़ी अच्छी एपीएन सेटिंग, जिससे आप अपने एयरटेल 4G के ऊपर बहुत अच्छी स्पीड को एंजॉय कर सकते हैं। और ये जो एपीएन है गाइज, एयरटेल 5G अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी आप यूज़ कर सकते हो। इसको यूज़ करने से जो आपको स्पीड मिलेगी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, और साथ में गाइज आपकी जो लो पिंग वाली प्रॉब्लम है, अगर आपका पिंग हमेशा हाई चला जाता है, लो पिंग नहीं रह पाता है, वो चीज़ भी आपकी यहाँ पर फिक्स हो जाएगी। तो आपको बस वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, और आपकी भी जो इंटरनेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है आपके एयरटेल सिम पे, वो पूरी तरीके से फिक्स हो जाएगी। तो दोस्तों एपीएन लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको जाना है आपके फ़ोन के सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क्स के ऊपर टैप करना है। इसके बाद आपको आपके एयरटेल के सिम को सिलेक्ट करना है। जिस भी स्लॉट पर आपका एयरटेल का सिम कार्ड है उसको आप सिलेक्ट कीजिए। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको एक्सेस पॉइंट नेम्स लिखा हुआ एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। इसके ऊपर आप टैप करेंगे और यहाँ पे आप आ जाते हो एपीएन या फिर एक्सेस पॉइंट नेम्स के पेज के ऊपर। यहाँ पे नीचे में आपको रीसेट का बटन दिख रहा होगा। सबसे पहले आप रीसेट पे टैप कीजिए, अपने एपीएन को डिफ़ॉल्ट पे रीसेट कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे प्लस का साइन दिख रहा है, जिसके ऊपर आप टैप करेंगे और यहाँ से आपका ये फॉर्म ओपन हो जाता है, जहाँ पर आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है। एक एक करके यहाँ पर हम लोग डिटेल्स को फिल करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे नेम है, तो नेम के ऊपर आप टैप कीजिए और नेम के अंदर आपको लिख देना है एयरटेल स्पेस 5G। इतना लिख करके आपको ओके कर देना है। नेम के बाद यहाँ पे एपीएन का ऑप्शन है, जिस पे टैप कीजिए और यहाँ पे आपको लिखना है 5G अल्ट्रा बिना किसी स्पेस के, जिस तरीके से मैंने लिखा है सेम टू सेम आपको लिख देना है। दोस्तों इसके बाद प्रॉक्सी एंड पोर्ट के दो ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन आपके नॉट सेट रहेंगे। यूज़र नेम है इसके बाद, ये भी नॉट सेट रहेगा। पासवर्ड भी आपका नॉट सेट रहेगा। इसके बाद यहाँ पे है सर्वर का ऑप्शन, जिस पे आप टैप करेंगे और यहाँ पे आपको लिखना है www.google.com। इतना लिख करके आप ओके कर दीजिए। सर्वर के बाद यहाँ पे MMSC है, ये नॉट सेट रहेगा। MMS प्रॉक्सी है, ये नॉट सेट रहेगा। इसके बाद MMS पोर्ट भी नॉट सेट होगा। इसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शंस है, MCC और MNC। ये दोनों ऑप्शंस आपके एरिया कोड्स होते हैं, इनको आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट यहाँ पे है ऑथेंटिकेशन टाइप, जिस पर आप टैप करेंगे और यहाँ पे आपको PAP और CHAP जो लास्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। APN टाइप को भी आपको डिफ़ॉल्ट पे छोड़ देना है, जैसा है वैसे ही छोड़ देना है, कोई भी चेंज आपको नहीं करना है। इसके बाद APN प्रोटोकॉल है, इस पर आप टैप करके IPv4/IPv6 सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद है APN रोमिंग प्रोटोकॉल, इस पर भी टैप करके आपको IPv4/IPv6 को सिलेक्ट कर लेना है। अब बियरर की बात आती है गाइस, तो ये बियरर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको बियरर का अनस्पेसिफाइड का टिक हटा देना है, और यहाँ पे गाइस आपको LTE से स्टार्ट करते हुए GPRS तक सारे ऑप्शंस सिलेक्ट करने हैं। तो अब कुछ फ़ोन्स के ऊपर क्या होगा, आपका यहाँ पे बियरर के अंदर सिर्फ एक ही ऑप्शन सेलेक्ट होता है, तो उस केस में आपको सिर्फ LTE को सिलेक्ट करना है। अगर एक से ज़्यादा या फिर मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट हो रहे हैं तो आपको यहाँ पे GPRS तक पूरा टिक कर देना है LTE से स्टार्ट करते हुए। इतना करने के बाद आप सिंपल सा ओके कर दीजिए, और इसके बाद है यहाँ पे MVNO टाइप, ये भी आपका नन पे सेट रहेगा, कोई चेंज आपको यहाँ पे नहीं करना है। आपका यहाँ पे फॉर्म पूरा फिलअप हो जाता है। अब आपको यहाँ पे मोर पे टैप करना है और यहाँ पे सेव करना है। दोस्तों इतना करते ही आप अपने APN वाले पेज पे वापस आ जाएंगे। यहाँ पे आपको आपने जो नया APN बनाया है उस पर टैप करना है और उसको इनेबल कर देना है। इस तरीके से आपने एक नया APN सेट कर लिया अपने एयरटेल का, और अब आप स्पीड टेस्ट करके देख सकते हो, अपने इंटरनेट को यूज़ करके देख सकते हैं, गेम खेल के देख सकते हो, आपको जो परफॉर्मेंस मिलती है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इंटरनेट स्पीड भी गाइज आपका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करें। मिलता हूँ अगली बार आपसे किसी नए वीडियो में।